अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल ऑल अबाउट फैशन एंड ट्रेंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है, जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हैंड एम्ब्रॉयडरी को पसंद करती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज मैं नेकलाइन डिज़ाइंस लेके आई हूँ, जो कि ख़ास तौर पर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। हैंड एम्ब्रॉयडरी के नेकलाइन डिज़ाइंस और स्टाइल्स के आइडियाज़ हैं। जिन लोगों को नेकलाइंस हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली पसंद हैं, आज वो मेरी वीडियो से आइडियाज़ लेकर अपने नेकलाइन डिज़ाइंस करवा सकते हैं और हैंड एम्ब्रॉयडरी से बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है और बहुत ही नीट है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। आज फ्रेंड्स, आपको सारी वीडियो में नेकलाइंस के डिज़ाइन ही मिलेंगे जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी से बने हुए हैं। ये सारे के सारे स्टाइल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कढ़ाई के टांके के डिज़ाइंस मिलेंगे, जो कि भरवें टांके के, मिरर के और कुछ ब्लोची टांके के, और कुछ मल्टी कलर्स में बने हुए हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत नेकलाइंस लग रहे हैं। जिन लोगों को हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पसंद हैं, वो मेरी इस वीडियो से आइडियाज़ लेकर अपने ड्रेसेस बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ नेकलाइन जिन पर मिरर का काम किया गया है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। आजकल मिरर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि हैंड एम्ब्रॉयडरी से मिरर अटैच कर नेकलाइंस बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी हैंड एम्ब्रॉयडरी की गई है वो मुख्तलिफ किस्म के धागे के साथ की गई है, कुछ ऊन के धागे के साथ और कुछ रेशमी धागे के साथ काम किया गया है। जिन गर्ल्स को हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी आती है, वो तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि ये कौन कौन से टांके से बने हुए हैं और कौन कौन से डिज़ाइंस आप किस तरह बना सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा इजी और ख़ूबसूरत डिज़ाइंस हैं, जो कि आप अपनी नेक लाइंस डिज़ाइन करवा सकते हैं किसी से। अगर आपने बनवाने हैं तो आप मेरी वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर वैसा डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नेकलाइन डिज़ाइंस हैं जो कि सिंपल हैं और बहुत इजीली जिनको एम्ब्रॉयडरी करनी आती है वो तो इजीली अपने घरों में भी खुद बनवा सकते हैं। जैसा कि समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है और समर सीज़न में हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड भी होती है कि हमने लॉन के ड्रेसेस पर ऐसे नेकलाइंस बनवाने हैं जो कि हैंड एम्ब्रॉयडरी से बने हुए हों, और ये काफ़ी ट्रेडिशनल भी लगता है। पहले के ज़माने में ख़ास तौर पर हैंड एम्ब्रॉयडरी से गर्ल्स अपने ड्रेसेस बनवाती थी। आप देख सकते हैं जितने भी ड्रेसेस हैं वो ख़ास तौर पर हैंड एम्ब्रॉयडरी से बने हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से वाला ड्रेस ज़्यादा प्यारा लगा है, और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।